नमस्कार नेपाल जी। जी, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है। और ये एक मैंने मुहिम चलाई है राणा जी, जिसके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों के साथ अपनी बात रख सके इसके माध्यम से। तो एक इस लॉकडाउन के अंतर्गत एक ये मेरी छोटी सी मुहिम है, ताकि वो अपने जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तमाम जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, इस मंच के माध्यम से मैं उनको इनवाइट करता हूं और उनके साथ साक्षात्कार करता हूं। तो सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करता हूं राणा जी। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली का रहने वाला हूं। और आप हैं आदरणीय शेर सिंह राणा जी, जिला पंचायत सदस्य हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं। हालांकि आपकी जो धर्मपत्नी हैं वो ब्लॉक प्रमुख हैं, आदरणीय गीता राणा जी, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर आप ब्लॉक प्रमुख का कार्यभार संभालते हैं। तो आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है ग्रामीण भारत संवाद में, आदरणीय प्रमुख साहब। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो कोविड-19 को लेकर के कहीं ना कहीं है, जो एक वैश्विक महामारी चल रही है आदरणीय प्रमुख साहब, तो उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे है प्रमुख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपका अभी तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा जी, बताइए। सबसे पहले तो मैं आज बुद्ध पूर्णिमा और रमजान के पाक महीने की सबको शुभकामनाएं देता हूं जी, और ग्रामीण भारत संवाद के एडिटर भाई नेपाल जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने ये मुहिम चलाई, जिससे प्रत्येक क्षेत्र का राजनीतिक व्यक्ति व नागरिक इससे लाभान्वित हो, वे एक दूसरे से वाकिफ हो। जहां तक राजनीतिक सफर की बात है नेपाल भाई, मैं जिस घराने में पैदा हुआ, मेरे बाबा, परदादा, पिताजी सभी जनसेवा में रहे हैं जी। मेरा अपना राजनीतिक सफर, सबसे पहले मैंने जेवी जैन कॉलेज, डिग्री कॉलेज सहारनपुर से बीए और एमए की किया, एमए मैंने राजनीतिक शास्त्र से किया जी। उसके बाद मैं जिस समय अपने गांव आया, और गांव आने के बाद में जो पैतृक धरोहर जो समाज सेवा की थी जी, उसमें मैं उसी प्रकार से मैंने अपना कार्य संभाला जिस प्रकार से हमारे पूर्वज करते आ रहे थे जी। सन 2000 में मेरी पत्नी गीता राणा जिला पंचायत सदस्य बनी जी, और उन्हीं का संयोग कहिए या परिश्रम कहिए कि जनता ने प्यार दिया, दुलार दिया और आशीर्वाद दिया, सेवा करने का मौका मिला जी। मैंने अपने राजनीतिक सफर में तकरीबन 90 से 100 गांव मेरे क्षेत्र मुझे सेवा करने का मौका मिला है जी। कभी मैंने किसी गांव को गोद नहीं लिया, मैं आपसे बताऊं जी। एक भाजपा का एक नारा है कि आज गांव को गोद लेने का है, किसी प्रदेश को, शहर को गोद लेने का है, लेकिन ऐसा नहीं। सेवादार जो होते हैं वो छोटे होते हैं, भूमि और ग्राम बड़े होते हैं। 90 गांव का मुझे 90-100 गांव का सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ जी। तकरीबन सभी के सभी गांव में जितने गांव का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने जितना भी हो सकता था वो जिला पंचायत से या क्षेत्र पंचायत से या किसी अन्य संसाधनों से, मंत्रालय से, चाहे सिंचाई मंत्री हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय द्वारा हो जी, हमने या पशुपालन विभाग द्वारा, पशुपालन मंत्रालय द्वारा, हमने दूसरे तरीके से कार्य करने का काम किया है। प्रत्येक गांव में कार्य कराया है, चाहे वो खड़ंजा का कार्य हो या वहां पे संपर्क मार्गों का हो, चाहे नालों का हो या इंटर कॉलेज का हो या जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल का, पाठशालाओं का हो, उस तरह के सभी कार्य कराने का मौका मिला। सबसे अच्छा अगर जो मैं मानता हूँ सेवा करने का जो मौका मिला, वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब जो व्यक्तिगत लाभ हैं जी। और एक गरीब व्यक्ति को, लाभार्थी को मिल जाए, वो शायद
सबसे अच्छी बात होगी। मुझे अच्छा मौका मिला कि उन माताओं का, उन बहनों का, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और आगे बढ़ने का, इस राह को आसान बनाने का एक मौका मिला। ये अवसर मिला मुझे अपनी पत्नी के माध्यम से, क्योंकि उसके नाम से मैं चुनाव था पहला सन 2000 में जी, और तब से मैं कंटिन्यू जिला पंचायत में, तीसरी दफे ब्लॉक प्रमुखी में, हम एक दफे हमारी साथी थे, हमारे उनकी पत्नी थी, अच्छी महिला रही बाबू से जी, तो लगातार जनता में जाने का मौका मिलता रहा जी। और इस दौरान जितने भी राजनीतिक पड़ाव रहे, जितने भी चुनाव रहे जी, इस पर की कृपा और क्षेत्रवासियों की दुआ हमारे साथ बनी रही जी। अच्छा आदरणीय प्रमुख साहब, आप 3 बार से ब्लॉक प्रमुख रहे थाना भवन के, और आप बता रहे हैं जैसा कि सन 2000 से आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ब्लॉक स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या जो बड़े कार्य हैं वो थोड़ा एक बार हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं और भविष्य में ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो एक बार वो जो मोटे मोटे से जो काम है आपके द्वारा जो कराए गए एक बार वो गिना दें जी। दरअसल में लंबे समय में कार्यों की फेरिस तो बहुत लंबी है जी, लेकिन जो उनमें मुख्यतः कार्य रहे हमारे ब्लॉक प्रमुखी कार्यकाल के दौरान जी, सरकार द्वारा, देखो मैं आपसे बता दूं कि ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत ये उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के निहित है जी। जिस तरह की एड केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मिलती है उसको क्षेत्र पंचायत के माध्यम से आम गांव तक, आम नागरिक तक उस सेवा को पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं जी। मेरा सबसे बड़ा कार्य अगर जो रहा है क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत, कृष्णा नदी पर हमने 8 पुल बनवाए जी, कृष्णा नदी पर जी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व कर रहे थे जी, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधित्व की बदौलत हम उन गणमान्य व्यक्ति तक पहुंच सके और अपनी आवाज को वहां पर बुलंद किया जी, और क्षेत्र के लिए वो कार्य कराए। इंटर कॉलेज है, ITI है इंटर कॉलेज उमरपुर गांव के अंदर जी, चाहे वो हसनपुर लोहारी हो या हरट फतेहपुर हो जी, या पलठेड़ी हो, भनेड़ा उद्दा हो, सभी इंटर कॉलेज मल्टी सेक्टर योजना के अंतर्गत समाजवादी सरकार के समय पे जी। लेकिन लेकिन उद्घाटन तो कहीं ना कहीं उनका भाजपा कर रही है, जो इंटर कॉलेज आप बता रहे हैं, ITI बता रहे हैं, अभी बनेड़ा उद्दा में अभी पीछे आदरणीय मंत्री जी हैं सुरेश राणा जी, उन्होंने उद्घाटन किया उसका, तो थोड़ा अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आखिर वो योजना किसकी थी और किस तरीके से है जी, बताइए। नेपाल भाई मैं आपसे बताऊं, मल्टी सेक्टर योजना के अंतर्गत जी यह इंटर कॉलेज बने हैं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में इन इंटर कॉलेज का बनना था जी, और इनके प्रस्ताव सन 2015-16 में स्वीकृत होकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र में जा चुके थे जी। देश की देश में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जी, आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं और वही मंत्री हैं जी। सरकार में जिस जो कार्य का उद्घाटन हो रहा है वो ठीक है, आज सुरेश राणा के द्वारा उद्घाटन किया गया क्योंकि वो सरकार का कार्य है, लेकिन प्रस्ताव कहां से गया, कब गया और कब उत्तर प्रदेश सरकार में पास हुआ यह भी एक विचारणीय विषय है, उस पर भी अगर जो प्रकाश डाला जाए वो किस समय में हुआ, किस समय में प्रस्ताव गए, तो वो बात है। मतलब आपका जो कहने का मतलब इस तरीके से है, जैसे लखनऊ मेट्रो का जो सेवा दी थी वो समाजवादी सरकार ने दी थी, लेकिन जो उसका उद्घाटन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार कर रही है, तो जो ये इंटर कॉलेज और ITI दिए गए वो समाजवादी सरकार के थे, आपका कहना बिल्कुल ये है। समाजवादी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने सैंक्शन कर वो केंद्र सरकार को भेजे जा चुके थे। हमारे यहाँ उमरपुर गांव पड़ता है, उमरपुर में सोहनी उमरपुर के नाम से
पहले इंटर कॉलेज एक सेंक्शन हुआ था हमारे ब्लॉक में, और मैं आपसे बात बता दूं कि 2011 में, सन 2011 में उस समय तो समाजवादी सरकार भी नहीं थी, सोजनी उमरपुर गांव के लिए स्वीकार था, सोजनी उमरपुर में जमीन नहीं थी, उमरपुर के अंदर हमारी जमीन थी, तो मेरे इंडियन संतोष कुमार यादव उस टाइम डीएम हुआ करते थे जी, हम साहब से रिक्वेस्ट किया कि सोजनी और उमरपुर दोनों एक ही गांव है, एक ही वो है, सोजनी के अंदर जमीन नहीं है, उमरपुर के अंदर जमीन है हमारे पास, तो उमरपुर में बना दिया जाए, उमरपुर में इंटर कॉलेज बना जी। आदरणीय आजम खान साहब उस समय मंत्री थे उस विभाग के जी, अल्पसंख्यक विभाग उनके पास था, अल्पसंख्यक विभाग जी, तो हमारे राज्य मंत्री चित्रंजन स्वरूप जी थे, चित्रंजन स्वरूप जी के सहयोग से वो हम उस कार्य को कराने में सफल हुए, इंटर कॉलेज बना। इंटर कॉलेज बनने से पहले माननीय सुरेश राणा के द्वारा, विधायक थे सुरेश राणा उस समय पे, सन 2013 की घटना बता रहा हूँ आपको जी, 2012 से 2017 के दौरान जो सोलवी विधानसभा की आप बात कर रहे हैं जी 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 जी, उस समय वो मुजफ्फरनगर प्रकरण हुआ था, मुजफ्फरनगर प्रकरण के दौरान मेरे पास फोन आया था माननीय मंत्री चित्रंजन स्वरूप कि आप शेर सिंह राणा जी उमरपुर के अंदर आजम खान साहब इंटर कॉलेज का उद्घाटन करेंगे जी, लेकिन वो दौरान इस तरह का था कि हिंदू मुस्लिम की एक आग समाज के अंदर थी। मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी आप आ सकते हो, लेकिन आज के हालात जो हैं वो आजम खान साहब के लिए वो सेफ नहीं है, ये जोन जो क्षेत्र आजम खान साहब ने इंटर कॉलेज दिया उनका आभार है हमारे ऊपर, अब हम आभारी हैं, लेकिन उसका उद्घाटन आप करें। उन्होंने कहा कि नहीं आप करोगे जी। वो सुरेश राणा जी जेल से जैसे ही आए तो उनको पता लग गया कि उसका उद्घाटन शेर सिंह राणा के द्वारा होगा, ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जी। हालांकि ब्लॉक प्रमुख मेरे छोटे भाई की वाइफ थी, रितु राणा थी उस समय पे जी। तो सुरेश राणा जी ने स्वयं भूमि पूजन कर दिया जाएगा वहां पर, कोई एक अधिकारी एक कर्मचारी उनके साथ नहीं था। मैंने डीएम से बात हुई कि डीएम साहब क्या उद्घाटन के लिए अधिकृत हैं सुरेश राणा जी, उनका प्रस्ताव है वे कर सकते हैं? नहीं, आदरणीय प्रमुख साहब स्थानीय विधायक थे, वो भले ही सरकार समाजवादी पार्टी की थी 2012 से 2017, तो स्थानीय विधायक होने के नाते चाहे वो पार्टी दूसरी पार्टी से थे तो उद्घाटन तो शायद कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए जी। कोई प्रस्तावक वे नहीं थे जी, उनकी कोई सरकार नहीं थी जी। तो उद्घाटन का उनका कोई नहीं था, उद्घाटन वो फर्जी उद्घाटन था, वो पेपराइज हुआ और उसका पेपराइज होने के कारण उसका नुकसान हुआ हमें, और आजम खान साहब ने वो इंटर कॉलेज और आईटीआई दोनों को रोक दिया जी। दोबारा से फिर अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ जिला बॉडी का, प्रस्ताव मांगे थे उनके, प्रस्ताव उनके माध्यम से फिर हमने प्रस्ताव भिजवाया, दोबारा से फिर इंटर कॉलेज बना। इंटर कॉलेज बनने के बाद में एक साल इंटर कॉलेज कंप्लीट हो गया हमारा सन 2016-17 में जी। लेकिन 16-17 से 17-18 तक इंटर कॉलेज में कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ। माननीय मंत्री बीजेपी सरकार आ गई, माननीय मंत्री सुरेश राणा जी माननीय मंत्री हो गए जी, राज्य मंत्री हो गए जी, राज्य मंत्री हुए। उन्होंने अपने राज्य मंत्री कार्यकाल में, मैं पूछना चाहता हूं इस आपके माध्यम से, क्या उमरपुर में शिक्षा के लिए कितने अध्यापकों की व्यवस्था कराई आज आपकी सरकार है, कितने वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था करवाई आपकी सरकार है, आईटीआई हमारी थाना भवन है, थाना भवन देहात में आपने आईटीआई में क्या व्यवस्था वहां पर कराई है, वो पूछना चाहता हूं। अगर जो आज सरकार है सुरेश राणा जी उस सारे कार्य कराने के लिए अपना अपना आपको जिम्मेदार महसूस करते हैं कि मैं मेरे द्वारा ये कार्य कराया गया है, तो ठीक है मंत्री जी, आप वहां पर शिक्षण कार्य कराए, उनकी व्यवस्था कराए। आज सरकार का काम होता है व्यवस्था देखने का, आप वो व्यवस्था को देखें। आज हमारी सरकार नहीं है, समाजवादी की सरकार नहीं है, हम वो कार्य नहीं करा सकते, आप करा सकते हैं। आप जो पत्थरों का उद्घाटन कर रहे हैं, जहां मेट्रो ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे हैं सुरेश राणा जी, वहां पत्थर लगाने का उद्घाटन करें। जहां आपने पत्थर लगाया हो, विकास का पत्थर लगाया हो, उसका उद्घाटन करें जो आपने कार्य कराया हो। आप पत्थर लगाए उमरपुर इंटर कॉलेज में आकर, हमें खुशी होगी, वहां पर समस्त
जितने स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट वहां उमरपुर के अंदर है, एक अध्यापक है वहां पर, 500 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक, तो कितना देश शिक्षित होगा, प्रदेश शिक्षित होगा। नेपाल जी आप भी शोम अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले दिनों आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो शिक्षित युवक नहीं है जिससे हम शिक्षकों की भर्ती की जा सके, पूरी की जा सके, तो शायद मुझे खेद होगा आज उन्हीं के कार्यकाल में अध्यापकों को किस तरह की व्यवस्था है, तो शायद उसकी देन समाजवादी तो नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं। मतलब आपका सीधा सीधा सा ये एक सुझाव है, जैसे कि वो अभी विधायक भी हैं थाना भवन विधानसभा के और मंत्री भी हैं, कि जो आईटीआई बनाई गई हैं, जो इंटर कॉलेज बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वहां अध्यापकों की कमियां हैं, अभी उसको फुलफिल कराएं, मतलब ये आपका सुझाव है प्रदेश सरकार। बिल्कुल नेपाल जी, जो दूरगामी क्षेत्र हैं, देहात क्षेत्र जी, उन गांव में, उन स्कूलों में प्राइमरी पाठशालाएं हों, चाहे जूनियर हाई स्कूल हों या इंटर कॉलेजेज हों, वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था सुनने के बराबर है, और जहां आने जाने के साधन सही हैं, ऑन रोड स्कूल पढ़ते हैं, वहां 50 बच्चे और 5 अध्यापक हैं, और जहां दूरगामी क्षेत्र है वहां इस तरह की स्थिति है जहां 200 बच्चे हैं और एक अध्यापक है, 500 बच्चे हैं एक अध्यापक है, तो इस व्यवस्था को देना कार्य करे सरकार जी। हम भी देखो, मैं नेपाल सिंह आपको बता दूं, चुनाव तक पक्ष विपक्ष होता है जी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि कोई हो वो पूरे क्षेत्र का होता है, पूरी जनता का होता है। आज सरकार है, सरकार है तो वो बीजेपी की सरकार नहीं है, या तो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, हाँ, या तो प्रदेश सरकार है या केंद्र की केंद्र सरकार है, लेकिन भाजपा के समय में वो भाजपा सरकार हो गई, कहीं ना कहीं यह उस बात को दर्शाती है उनकी कि उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है, क्या उनके वोटर्स के लिए ही एक सरकार है, या वो सरकार सभी जितने यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी सबकी व्यवस्था देने का काम सरकार का होता है, और सरकार का अपना कार्य है वो अच्छा किया या बुरा, उसका रिजल्ट 5 साल बाद जनता दोबारा देती है, वो जनता के हाथ में होता। बिल्कुल, तो आपका एक सुझाव है कि जो भी आईटीआई हैं या इंटर कॉलेज हैं, उनमें अध्यापकों की कमी है, कहीं ना कहीं उनमें अध्यापकों की भर्ती होनी चाहिए, ये आपका सुझाव है, तो या तो इस वीडियो के माध्यम से वहां तक संदेश जरूर पहुंचेगा, या उनसे मैंने समय मांगा है, वो भी ग्रामीण भारत संवाद से जुड़ेंगे, तो ये बात मैं आपकी जरूर रखूंगा उनके सामने। बिल्कुल नेपाल सिंह जी, एक मेरा क्वेश्चन और है इसमें जी, पलथेड़ी के अंदर हमारे इंटर कॉलेज बन रहा है जी, लेकिन पलथेड़ी के अंदर इंटर कॉलेज बने हुए साल भर हो चुका, 1 साल से ऊपर, अभी तक वहां फाइनल किस्त नहीं आई, जो उसके कॉलेज के फाइनल किस्त आनी थी, कोई व्यवस्था नाम की वहां पे कोई चीज नहीं है, हमारे प्रधान जी है वहां पर, निर्माणाधीन है, मैं देख रहा था पलथेड़ी का जो स्कूल है वो निर्माणाधीन है अभी जी 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 जी, कंप्लीट नहीं हुआ शायद अभी, तो आईटीआई हो चाहे सुंदर स्कूल की हो चाहे थाने भवन की हो, हमारे क्षेत्र के बच्चे अभी कांधला में जाकर एडमिशन ले रहे हैं आईटीआई के अंदर जी, और क्या है शिक्षा के नाम पर वहाँ एडमिशन हुआ और पेपर हो जाएंगे, पेपर में पास हो जाएंगे, जब बच्चों को कहीं अप्रेंटिस के लिए हमें सिफारिश करनी पड़ती है तो वह जो प्रबंधक होते हैं जहां हम सिफारिश करते हैं, वे कहते हैं कि बच्चे ने कोई आईटीआई नहीं की, कोई क्लास नहीं की जी, अतः प्रमुख साहब अपने क्षेत्र में आईटीआई जो है उन आईटीआई को चालू कराए, तो वहां पर हम शर्मिंदा होते हैं जी। मेरा इस वीडियो के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो सभी आईटीआई को सुचारू रूप से चलवाएं, वे डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज जहां जो व्यवस्था सरकार ने दी है, चाहे वो समाजवादी सरकार ने दी हो या फिर आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, तो उनको कराना आपका कार्य है, उन्हें सुचारू कराए जी। आपका कहीं ना आपका जो ये सुझाव है कहीं ना कहीं हम जरूर मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। तो मेरा अगला सवाल है आदरणीय प्रमुख साहब आपसे, जैसा कि अभी वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना COVID-19, तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य होने के नाते
ग्रामीण क्षेत्रों पर क्षेत्रों में आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए जी? जिस प्रकार से मैं देख रहा था, अभी मैं अपने गांव की बात करता हूं, आदरणीय मंत्री जी द्वारा सैनिटाइजेशन हुआ, तो उसको लेकर के मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ब्लॉक स्तर से और जिला पंचायत सदस्य निधि से आपके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कार्य कराए जी, बताइए। देखिए, जिला पंचायत द्वारा जो कार्य कराए गए वो आर्थिक सहायता पीएम केयर फंड में जी, जो हम हमारे द्वारा कराई गई वो सभी जिला पंचायत सदस्य में भी है, सभी के माध्यम से हमने 25 लाख रुपया उसमें दिया है। 31 लाख रुपए की धनराशि हमने पीएम केयर फंड में 22 तारीख को, जिस समय में इन्होंने कोई अपना फंड जारी भी नहीं किया था, उस समय हमने सीडीओ साहब शामली को पत्र लिखा था जी, लेकिन उस समय वो पत्र हमारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तत्पश्चात कुछ समय बाद हमारे पास सूचना आई कि आप उस पैसों को दे सकते हैं। अभी जश्न तस है, लेटर जा चुका 31 लाख रुपए का हमने दिया था। छह माह का अपना मानदेय, जो ब्लॉक प्रमुख को मानदेय मिलता है, 6 माह का हमने अपना मानदेय दिया, क्योंकि हम किसान हैं और किसान की हैसियत से हमने 6 माह का, किसान चाहे वो छमाही फसल इनकम करता है या सालाना जी, तो हमने वो 6 माह की अपनी मानदेय उसमें दिया था। और उसके अलग जितने सैनिटाइजर का भी अभी आप बात कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया है, ऐसा नहीं है पाल भाई। बजाज सुगर मिल के द्वारा जो सैनिटाइज कराया गया गांव जी, वो क्षेत्र के जितने गांव हैं वो गन्ना किसान के गांव हैं जी, और गन्ना किसान गन्ना अपना सप्लाई करते हैं बजाज सुगर मिल को जी। बजाज सुगर मिल के प्रबंधक से हमारी बात हुई, हमने उनको भी कहा, सीएमओ शामली से बात हुई, सीएमओ शामली के द्वारा कुछ सैनिटाइजर की व्यवस्था ब्लॉक मुख्यालय पर कराई गई, सीएससी पर, और सभी ग्राम प्रधानों को सूचित किया गया, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, कि वो मेडिसिन यहाँ से ले जाएं स्प्रे के लिए और स्प्रे कराएं। तो वो ये व्यवस्था ब्लॉक के माध्यम से कराई गई है। जितने भी हमारे कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एडीओज जो है, सभी की ड्यूटी, सभी की जिम्मेदारी, क्षेत्र में राशन कार्ड, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सबको 1 माह में 2 बार राशन, 1 बार बिल्कुल फ्री मुफ्त राशन, और दूसरी बार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो एपीएल के राशन कार्ड हैं, अंत्योदय और श्रमिक कार्ड और मनरेगा वालों को राशन फ्री 2 बार माह के अंदर, ये व्यवस्था वो लोग क्षेत्र पंचायत के द्वारा कराई जा रही है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जी। नहीं, ये आपने जो आरोप लगाया है अभी कि मतलब जो सैनिटाइजेशन ग्रामीण क्षेत्रों में कराया गया है, जैसे मेरा भी गांव आता है कहीं ना कहीं थाना भवन विधानसभा के अंतर्गत, तो जो मशीन थी, ट्रैक्टर था, वो उस पे बोर्ड तो आदरणीय मंत्री जी का लगा हुआ था। हाँ बिल्कुल जी, तो ये स्थिति स्पष्ट करें कि वो ब्लॉक स्तर से सैनिटाइजेशन हुआ है, यह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र से वो सैनिटाइजेशन हुआ। नेपाल भाई, मैं आपसे आप बताऊं जी, भाजपा के लोगों के द्वारा, 5-5 आदमियों के द्वारा 2 केले अगर जो किसी को दिए गए भूखे को पेट भरने के लिए, तो उसका एडवर्टाइज सबसे ज्यादा हुआ जी। हम समाजवादी लोग हैं, समाज के लोग हैं जी। जो कार्य मिल प्रबंधन ने कराया, शुगर मिल, मेरी प्रबंधक से बात हुई, आप भी कर लेना, मैं आपसे, वीरपाल जी हैं यहाँ पर जी, वीरपाल सिंह जी हैं जी, मिल प्रबंधक वीपी जो हैं जी जी, उनसे आप बात करोगे तो आप पूछना कि आपको किस किस जनप्रतिनिधि ने कितना प्रेशराइज किया है कि आप क्षेत्र में इसका स्प्रे कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए थे, उसको उस सैनिटाइजर स्प्रे को वो उन्होंने ये दर्शाने का काम किया कि ये स्प्रे हमारे द्वारा करा दिया गया। लेकिन जितने भी ग्राम प्रधान हैं, जो जितने भी बीडीसी सदस्य हैं या अन्य जनप्रतिनिधि जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने ब्लॉक पर आए और सीएससी से मेडिसिन लिया और स्प्रे कराया। ट्रैक्टर का जो किराया दिया वो स्वयं प्रधान ने या उन जनप्रतिनिधियों ने दिया जो क्षेत्र से आए हैं, लेकिन मेडिसिन उनको जो मिली है वो फ्री मिली है ब्लॉक के माध्यम से। ब्लॉक के माध्यम से ठीक है।
ये मेरा सवाल था क्योंकि एक भ्रम की स्थिति थी कि जो सैनिटाइजेशन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में वो कहीं ना कहीं मंत्री जी के द्वारा हो रहा है या ब्लॉक स्तर के द्वारा हो रहा है, तो इसी को लेकर के मेरा ये सवाल था आखिर मतलब जो सैनिटाइजेशन हो रहा है नंबर नेम प्लेट किसी और की लगी है, सैनिटाइजेशन कहीं और से आ रहा है, तो इसी चीज को लेकर के मतलब ये स्पष्टीकरण आपने दिया कि वो ब्लॉक की तरफ से था। नेपाल जी वीरता करे और यश न फैलाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा है जी, मूल मंत्र है वीरता करो ना लेकिन यश जरूर फैलाओ, उनका कार्य है। अगर जो भूखे को रोटी देने का है तो जो पांच केले दो केले या पांच आदमी दे रहे हैं एक व्यक्ति को, फेसबुक पर वो वीडियोज हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। ठीक है, इस समय में इस विपदा की समय में हम सभी भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, सभी का दायित्व बनता है चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन इस दुखद घड़ी में कौन पब्लिक के साथ है और कौन नहीं जी, इसको दिखाने से बेटर करना अच्छा है। मैं कर्म को अच्छा मानता हूं, करना चाहिए लेकिन उसका दिखावा ना हो। तो अभी जी अभी एक मैं आपसे बताऊं, शराब की दुकानों पर सरकार ने जी, मेरा अगला सवाल वही था कि सरकार ने शराब की जो ठेके खोल दिए गए हैं जबकि 40 दिन का जो लॉकडाउन था और 40 दिन का जो लॉकडाउन लोग फॉलो कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आखिर 40 दिन से वो एक तरीके से प्रण लेके घर में बैठे थे लेकिन उनके साथ एक मजाकिया तौर पे एक मजाक कर दिया प्रदेश सरकार ने, तो इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? जी नेपाल भाई, मैं आपके ग्रामीण संवाद के माध्यम से सभी भाइयों से बताना चाहूंगा कि दूध की दुकान खुले तो उसके लिए 3 घंटे का समय है, राशन की दुकान खुले तो उसके लिए 3 घंटे का समय है, लेकिन शराब की दुकान खुले तो उसके लिए 9 घंटे का समय है। ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। जिस रोज देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर शराब को छूट मिली, शराब की दुकानों को, हमारे पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या कितनी हुई वो पेपर बता रहा जी, 53,045 अभी तक पूरे भारत में केस एक्टिव हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं अभी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, उत्तर प्रदेश क्या पहले मैं शामली का आंकड़ा बता देता हूं, अभी 18 केस थे, 18 केस सही हो गए थे लेकिन अभी परसों 2 केस और नए आ गए हैं जो कि सब्जी मंडी से शायद वो केस आए हैं, तो 2 मामले पुणे एक बार फिर शामली में आ गए हैं और मेरठ में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 नए मामले आ चुके हैं जी। नेपाल भाई ये वे लोग हैं जो उस दायरे में आकर जिनकी मौत हुई और जिसकी जांच हो चुकी और जो ऑन रिकॉर्ड हो चुका, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, जो डर के मारे कहीं गोली के सरकार गोली मार देगी, जिस तरह से पिछले दिनों तबलीग का बहुत हंगामा उतरा, तबलीगी जमात हाँ गुरुद्वारा साहेब से कितने सिख उसमें इसे प्रभावित थे महामारी से, अभी जयपुर में मैं पिछले दिनों देख रहा था जयपुर में एक मंदिर के अंदर कितने साधु वहां से इससे पीड़ित थे, इस तरह के बहुत से मामले हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी माननीय योगी जी, आप अमेरिका की राह पर मत चले, ट्रंप की राह पर मत चले, पहले आपने नमस्ते ट्रंप के नाम पर गुजरात को मार दिया, हिंदुस्तान को मार दिया, हजारों की करोड़ों की संख्या दिखाने के चक्कर में आपने अपना यश दिखाने के चक्कर में शायद जितने सैनिक जितना सेना बल ट्रंप के साथ हिंदुस्तान आया था उसकी जांच नहीं हो पाई। नहीं आदरणीय प्रमुख जी, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब नमस्ते ट्रंप जब कार्यक्रम था उस समय भारत में कोई केस एक्टिव नहीं था कोरोना का, तो आप इस चीज को इसके साथ नहीं जोड़ सकते कि नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम हुआ है उसको आप COVID-19 से नहीं जोड़ सकते, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी। नेपाल जी, नमस्ते ट्रंप जो हुआ गुजरात के अंदर हुआ
अहमदाबाद की आज क्या स्थिति है आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, वो स्थिति नमस्ते ट्रंप की वजह से नहीं है ना। बिल्कुल उस दौरान अमेरिका के अंदर, चीन के अंदर क्या महामारी थी, और हमारे नेताओं के द्वारा, माननीय अखिलेश जी के द्वारा संसद के अंदर फ्लाइटों को पर बैन लगाने की अपील की जा चुकी थी। कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा, जो देश ने आज जिसको पप्पू बना दिया है, पप्पू मान लिया है मीडिया ने, उस व्यक्ति ने संसद के अंदर कहा था कि वर्ल्ड एक महामारी से गुजर रहा है, फ्लाइटों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, हमारी सरकार की खामियां रही, कहीं ना कहीं उस बात को हम छोटे में ले गए। लेकिन हमें नमस्ते ट्रंप करना था, वो हमारे प्रोग्राम सारे स्थगित हो जाते, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में शायद ना बन पाती, हमारी वो खरीद फरोख्त ना हो पाती। 22 तारीख जब लॉकडाउन पूरा जनता कर्फ्यू लगा, 23 तारीख में फिर संसद चली, तो उस संसद का क्या मायने था। ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नेगेटिव मानसिकता दर्शाती है पनपने के लिए। नेगेटिव मानसिकता कब पनपेगी, जब कहीं ना कहीं जनता को तो आप घरों में बंद कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि सरकार वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वो प्रदर्शन कर रही है, वो खुशियां मना रही है। मेरा आपके जो शराब के विषय पर एक कहना था, आज पावन महा जो चल रहा है रमजान का, रमजान के पावन माह में किसी अगर जो किसी त्योहार पर शराब की दुकानें खुले तो हमें खेद होता है, प्रतिबंध लगा जाते हैं। आज इस महामारी के समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए अमेरिका के चाल पर चल रहे हैं। अमेरिका ने अपने आप को खत्म कर लिया कि मेरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। अमेरिका का उसका रिजल्ट क्या रहा, ट्रंप के निर्णय का रिजल्ट क्या रहा, वो 11 लाख प्लस केस है अभी अमेरिका में। वही प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, उन्हीं पे कम से कम वही सर्वे कर लिया होता, उसी पर ध्यान धर लिया होता, तो हिंदुस्तान के अंदर आप जहां कहीं किसी मस्जिद के अंदर, किसी मंदिर के अंदर आप देव दर्शन के लिए नहीं जा सकते, पूजा के लिए नहीं जा सकते, सब रुके हुए हैं, सब आपकी बात मान रहे हैं, सब इस बीमारी से डरे हुए हैं। लेकिन शराब की दुकानों पर जिस तरीके से गैदरिंग हुई, कितना लॉकडाउन का पालन हुआ, कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, वो मीडिया दिखा रही है। वो मीडिया जब टीवी चैनल खोलते हैं तो वो दिखता है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखता है, कितना गदर, कितना भीड़, पता लगा कि कितने करोड़ रुपए की दारू, भाई शामली जनपद, शामली से इतने करोड़, शामली जनपद का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख देता हूं और जो दर्शक ये देख रहे हैं उनके सामने, ये हरिओम सिंह है जिला आबकारी अधिकारी, उनके द्वारा मुझे आंकड़ा प्राप्त हुआ है। शराब और बियर की जो बिक्री है सोमवार और मंगलवार में, जो बीते सोमवार और मंगलवार में 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है शराब की। और मैं स्थिति बता दूं, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश का, 20-25% जो राजस्व आता है वो शराब की बिक्री से आता है पूरे प्रदेश भर में। तो फैसला तो मेरे हिसाब से, ये मेरी निजी राय हो सकती है, जो ये फैसला खोलने का, शराब के जो ठेके खोलने का जो फैसला था, वो कहीं ना कहीं मैं एक आर्थिक मुद्दे पर अगर देखा जाए तो वो सही था, लेकिन उसको सही तरीके से सरकार लागू नहीं कर पाई, क्योंकि जो 40 दिन का जब लॉकडाउन था तो उसके अंतर्गत एक तरीके से पूर्ण रूप से जो लोगों ने उसको फॉलो किया है, लेकिन जैसे शराब का ठेके खुल जाते हैं तो ना वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की कुछ जो, मतलब ये थोड़ी कमियां जो है वो जनता स्तर पे भी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं। नहीं बिल्कुल जनता स्तर पर कमी है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 बजे थाली बजाएं, ताली बजाएं, देश की जनता ने ताली और थाली बजाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 9 बजे 9 मिनट तक लाइटें बंद करके 9 मिनट तक दीवा बल जलाएं, मोबाइल की टॉर्च जलाएं, रोशनी करें, बिल्कुल सभी देशवासियों ने उसका वो किया, पालन किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी दुकान 9 घंटा खुलेगी, तो सभी देशवासियों ने, सभी शराब भाइयों ने प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन किया, वो लाइन में लगकर, वो अपने आप को ये नहीं मान महसूस कर रहे हैं कि इस चीज पर रोक है, इस चीज पर प्रतिबंध है।
वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाइन में लगाए गए लोग हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और हमारा भी स्वागत शायद फूल मालाओं से होना चाहिए, तालियों से और थालियों से स्वागत शराबियों का होना चाहिए। नेपाल भाई, ग्रामीण क्षेत्र से हमें, मैं देखता हूँ जिस घर में शराबी है उस शराबी की पत्नी, उस शराबी के बच्चे कितने पीड़ित हैं, कितने टॉर्चर होते हैं, कितने परेशान हैं उन शराबियों से, और उन शराबियों के लिए एक राहत बड़ा पैकेज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने खोल दिया कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं 9 घंटे तक, आप 9 घंटे तक किसी भी समय जाए और शराब ले आए। ठीक है, आप राजस्व बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया है, राजस्व बढ़ाने के लिए अमेरिका सरकार ने काम किया, ट्रंप जी ने काम किया, उनका भी कार्य सही था, लेकिन क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। प्रदेश स्तर पे जो शराब के जो ठेके खोले गए हैं और देश स्तर पे जो ठेके खोले गए हैं, इनके जो आगामी परिणाम है वो आपको अभी सामने दिख जाएंगे। अभी क्योंकि मैं अभी केस देख रहा था, भारत में अभी 53,045 केस हो चुके हैं और दिन प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। तो अभी कोरोना जो है देश से बाहर नहीं गया है, लेकिन ये जो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार कब तक मतलब डंडा लेके खड़ी रहेगी उनके पीछे, और जो पुलिस है, प्रशासन है, वो कब तक डंडा लेके खड़ी रहेगी? नेपाल भाई, एक मैं आपको बताऊंगा, एक विधवा महिला जी, एक विधवा महिला और उसकी बेटी, वो विधवा महिला अपनी बेटी की शादी करनी चाहती है जी, शादी के 5 आदमियों की परमिशन चाहती है सरकार से, ऑनलाइन परमिशन उसने अप्लाई किया जी, उसको ई पास नहीं मिला। मेरे द्वारा एडीएम से बात की गई तो एडीएम साहब ने कहा कि शादी की परमिशन हमें सरकार के द्वारा कैंसिल कर दी गई है कि कोई परमिशन ना दी जाए। अगले दिन वो वर्ध महिला, विधवा महिला अगले दिन मर गई, उसके सामने उसके बेटे के हाथ पीले नहीं हुए इस लॉकडाउन के वजह से, यही तो कारण रहा ना। वो 5 आदमी आते पराती, 5 आदमी आके उस लड़की को लेके चले जाते, उस माँ के सामने वो बेटी विदा, घर से विदा हो जाती, जिसके जिसका कोई भाई नहीं हो, जिसकी अकेली माँ हो, और इस तरह की घटना अगर जो हमारे जिले के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर हो रही है, वे पालन किस चीज का कर रहे हैं? लॉकडाउन का पालन किस चीज का कर रहे हैं? सरकार के साथ रहने का, राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्र के इस महामारी से लड़ने के लिए, लेकिन शराब के नाम पर, एक थोड़ी सी इनकम के नाम पर क्या होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए सरकार के लिए। मेरा सरकार से अपील है, शराब की दुकानों को जिस तरीके से, जब तक लॉकडाउन यहाँ के देश की जनता पालन करे, तब तक उसका पालन आपके ठेकेदारों को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना चाहिए जी। अच्छा प्रमुख साहब, मेरा जो अगला सवाल है वो कहीं ना कहीं गन्ना किसानों को लेकर के है। तमाम ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से तमाम मेरे साथ जो नेता जुड़े थे, आदरणीय राकेश टिकैत जी और शामली विधायक बीजेपी के तेजेंद्र नेवाल जी, उनसे भी मेरा तमाम ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं गन्ना किसानों की को लेकर के जो सवाल है कि गन्ने का जो पेमेंट है उसको लेकर के समाजवादी सरकार का और आपका क्या कहना है जी? नेपाल भाई, गन्ना किसान बद से बदतर है जी। मैं भी गन्ना किसान हूँ, शायद आप भी गन्ना किसान होंगे जी। जी, सरकार की जो व्यवस्था गन्ना किसान के नाम की रही वो सुनने के बराबर रही जी। सरकार ने कहा कि हमने ई नेट से जोड़ दिया है सभी गन्ना किसानों को, पर्चियां जो आएंगी वो लखनऊ से पर्चियां छपेंगी, एक कंपनी है, उसमें घपलेबाजी नहीं होगी। लेकिन आपसे मैं आपको अवगत करा दूं जी, हमारे पास में नौता सुगर मिल पड़ती है, नोनोदा सुगर मिल कोऑपरेटिव सुगर मिल है, नोनोदा सुगर मिल में 10 लाख क्विंटल गन्ना फर्जी तरीके से गन्ना माफियाओं के द्वारा तुलवाया गया। जिस किसान का 40 क्विंटल का बेसिक कोटा था उसका बेसिक कोटा 4,000 क्विंटल कर दिया गया, जिसका 160 क्विंटल कोटा था उसका 16,000 क्विंटल बेसिक कोटा कर दिया गया। किसान 200 रुपए गन्ना, 250 रुपए गन्ना कैश खरीदा गया और वो मिल गया पर्ची के नाम पर किसान का आनंद। थाना बोन सुगर मिल में भी यही स्थिति है आदरणीय प्रमुख साहब, थाना बोन सुगर मिल में यही स्थिति है, जिसका बेसिक कोटा यहाँ बहुत कम है लेकिन वो गन्ना बहुत ज्यादा तुलवा रहा है, अपनी पर्चियों में डलवा रहा है, कहीं ना कहीं गन्ना माफिया एक्टिव है। इसको लेकर के मैं विपक्ष की भूमिका जानना चाहता हूँ कि आप
क्या करेंगे इसको भविष्य में लेकर के, जो गन्ना माफिया जो इतना एक्टिव है तानाबोन क्षेत्र में, और आप बता रहे हैं ननोत्ता सुगर मिल में भी जो सहारनपुर में पड़ता है। जी बिल्कुल, नेपाल भाई कई दफे किसान दिवस में और कई बार जिला पंचायत की बैठक में हमारे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया जी, लेकिन कहीं कहीं सरकार के द्वारा, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, उस प्रशासन के द्वारा उसको लीपापोती करने का कार्य किया गया। रिटिन में हमने अपने क्वेश्चन दिए, रिटिन में हमने बताया कि फला 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 किसान के पास एक बीघा गन्ना नहीं है, लेकिन उनकी सप्लाई कंटिन्यू जारी है उन्हें रोका। जिस किसान के पास मात्र 250 गज का प्लॉट हो थानाबोन के अंदर और उस किसान का बेसिक कोटा 3000 क्विंटल का हो तो दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि उसमें पारदर्शिता है, कोई इस तरह की नहीं घटना नहीं है। मैं आपसे बताऊं, प्रत्येक दिन थानाबोन के अंदर गन्ना खरीदा गया, प्रत्येक दिन खरीदा गया गन्ना माफियाओं के द्वारा, और गन्ना माफियाओं के द्वारा गन्ना डाला गया, तो उसका कारण है कि आज गन्ना किसान मई और जून के महीने में अपना गन्ना डालने के लिए मजबूर है। बहुत से किसान इस तरह के हैं जिनके पास 30% गन्ना अभी तक है, बहुत से किसान इस तरह के हैं जिनके पास मुंडा अब तक है। अब तक गन्ना किसान अपने भुगतान के लिए लड़े हैं दूसरी सरकारों में कि हमारा भुगतान किया जाए, लेकिन पहली बार इस तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गन्ना किसान पर्चियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि मुझे कहीं से पर्ची मिल जाए और मेरा गन्ना चला जाए, पेमेंट मिले या ना मिले मेरा खेत से गन्ना चला जाए। इस तरीके से गन्ना किसानों की समस्या प्रोडक्शन पे मैं पिछले दिनों देख रहा था टीवी पर, महाराष्ट्र के गन्ना मंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना माननीय गन्ना मंत्री दोनों की चर्चा चल रही है। उस चर्चा में माननीय गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी के द्वारा कहा गया कि हमने उत्तर प्रदेश जब से हमारी सरकार बनी तब से उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना 40% प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया है, उत्पादन क्षमता हमारी 40% बढ़ गई है। मेरा इस चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है, माननीय मंत्री जी आपने कितने % गन्ना भुगतान कराया आप ये बताएं, और ये बताएं कि थानाबोन सुगर मिल का कितने % आपने भुगतान कराया। नवंबर तक का भुगतान किया गया है, और जबकि इनका जो संकल्प पत्र था, भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसके अनुसार ये था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करने का प्रावधान था, लेकिन नवंबर से अब आप लगा सकते हैं जी 14 दिन के बाद ब्याज सहित भुगतान कराया जाएगा, ब्याज सहित भुगतान कराया जाएगा। ये मुद्दा जो है मैंने आदरणीय विधायक जी हैं शामली के उनके सामने रखा था, तो वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा चीजों को मतलब ये बात हम रखेंगे मंत्री जी के सामने रखेंगे और प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे, आशा करते हैं कि जल्दी ये सुचारू रूप से ठीक हो। नेपाल भाई जी, साल रह गया शेष तो कुछ नहीं बचता, एक साल रह गया वो भी कोरोना खा जाएगी जी। गन्ना किसानों की समस्या जस की तस है, लगभग 4 साल गुआ रहे हैं, और 4 सालों में जो जिन विधायक के द्वारा जब माननीय मंत्री इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, 450 रुपए प्रति क्विंटल, बड़ी पंचायतों में 450 की बात करते थे गन्ना मूल्य 450 जी, ये बात भी मैंने रखी थी, ये बात भी आदरणीय तेजेंद्र नरवाल जी के सामने रखी थी, राकेश टिकैत जी के सामने रखी थी, तमाम जो नेता थे ग्रामीण भारत संवाद से जुड़े उनके सामने रखी थी कि जब विपक्ष में थे तो 450 क्विंटल की प्रति क्विंटल की बात करते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष में आने के बाद 325 रुपए प्रति क्विंटल 3 साल से लगातार, तो कहीं ना कहीं कुछ जो नेता हैं उन्होंने ये बात भी कही कि विपक्ष हमारा कमजोर है, ये भी आरोप लगते हैं, इस पर आपका क्या कहना है जी? बिल्कुल मैं मानता हूँ विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए जी, लेकिन नेपाल भाई जिस तरीके से जिस जनता ने इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उस जनता का भी दायित्व बनता है अपने जनप्रतिनिधि की गिरबान पकड़ने का। जिस समय समाजवादी की सरकार थी, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जी, समाजवादी की सरकार में थानाबोन सुगर मिल पर शेर सिंह राणा के द्वारा समाजवादी कार्यकर्ता होने के बावजूद धरना प्रदर्शन किया गया था, और उस धरना प्रदर्शन में जितना गन्ना किसान था उन गन्ना किसानों को उनका भुगतान नहीं दिया गया, तो उसके बदले हमने चीनी दिलवाने का कार्य किया था समाजवादी सरकार ने किया। चीनी तो शायद अभी भी मिल रही है आदरणीय प्रमुख साहब,
जी वही बता रहा हूँ, आज चीनी मिल रही है प्रत्येक एक किसान को एक क्विंटल चीनी। हमने जितना किसान का गन्ना भुगतान उसका बकाया था, सपोज किसी किसान का अगर जो चार किसान मिलकर हैं सामूहिक परिवार हैं और उनका 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का पेमेंट भुगतान मिल पर शुगर मिल पर बकाया था, 4 लाख रुपए का उसको चीनी उठाने का कार्य किया, तो वो समाजवादी सरकार के समय शेर सिंह राणा के द्वारा, शेर सिंह राणा के साथियों के द्वारा किया गया, टीम शेर सिंह राणा के द्वारा किया गया जी, समाज विकास थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ साथ क्षेत्र कहीं ना कहीं कनेक्शन में अवरुद्ध हो रहा है, एक बार फिर पुनः जुड़ेंगे। जी जी प्रमुख साहब कुछ कह रहे थे आप। जब जब इस बात को बुलंद करने की आवाज उठाई जाती है तो किसान संगठन के द्वारा अगर जो एक दफे बात उठाई गई तो उन पर फायरिंग भी किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया, पूरन सिंह के खिलाफ जी, 1 साल भर पहले की घटना है, पूरन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं हमारी जो भूमिका रही समाजवादी की जो भूमिका है गन्ना किसानों को भुगतान मिले, हमारा जो संघर्ष हो आज वो संघर्ष का जो समय था तो भुगतान के लिए जो हमें लड़ना था, भुगतान के लिए जो हमने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम डीएम शामली को दिए भी थे और हमने धरना प्रदर्शन और साइकिल रैली का समाजवादी साथियों ने जो निर्णय लिया था 22 तारीख का, 22 तारीख में उस दिन जनता कर्फ्यू घोषित हो गया, उसके उसके बाद लॉकडाउन हो गया, हम भुगतान नहीं मांग नहीं पा रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को आज महामारी के समय में शायद किसी भी व्यक्ति को, किसी जनप्रतिनिधि को शायद इस तरह का संघर्ष करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया के माध्यम से पर डे कम से कम एक पोस्ट तो अपने गन्ना भुगतान के लिए डाल लें कि किस किस भाई को गन्ने की पैसे की आवश्यकता है। और मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आप एक राजपूत हैं, अगर जो आपकी राजपूत वाले जवान है प्राण जाए पर वचन ना जाए तो 450 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य नहीं दिलवा पा रहे हैं, कोई बात नहीं माननीय मंत्री जी, लेकिन 14 दिन में भुगतान दिलवा दीजिए, 14 दिन में भी नहीं दिलवा पा रहे तो कोई बात नहीं हमें ब्याज से ही दिलवा दीजिए। नेपाल भाई बड़ा अच्छा है एक राजपूत को, एक क्षत्रिय को अपना वचन पूरा करने का समय शायद सुरेश राणा जी को मिला है, भगवान ने जिस विपक्ष में रहकर जो लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने किया, पाप को भी अच्छी लड़ाई लड़ी, ईश्वर ने उनको वही मंत्रालय दे दिया, ईश्वर की कृपा हुई, रामचंद्र जी की कृपा हुई, उनको वही मंत्रालय मिला जी। अब प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, अब राणा जी अगर जो आप ठाकुर हैं, आप राजपूत हैं, आप एक क्षत्रिय हैं और आप मुख्यमंत्री यशस्वी योगी कहीं ना कहीं कनेक्शन में वृद्ध उत्पन्न हो रहा है और उन्हें एक बार फिर जुड़ेंगे। जी आज किसान की जो स्थिति दुर्दशा गन्ना छिलाई के नाम की है क्षेत्र में, नेपाल भाई आपसे बता रहा हूँ 4 साल पहले इस क्षेत्र का किसान कभी मई के अंदर किसी किसान ने गन्ना नहीं डाला होगा, अप्रैल में गन्ना समाप्त हो जाया करता था क्षेत्र का, लेकिन तब से माननीय मंत्री जी हैं तो मई के अंदर किसानों की दुर्गति है, दुर्दशा है जी। भुगतान के नाम पर जो है वो तो है, प्रोडक्शन के नाम पर कितना, जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने उत्पादन क्षमता 40% बढ़ा दी उत्तर प्रदेश की, तो कितना कनेक्शन में कहीं ना कहीं अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है, एक बार फिर हम उन्हें के जी एक प्रमुख साहब एक समय गन्ना किसानों पर आया, पहले भी आया था टिड्डी दल का, उस समय सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से स्प्रे कराया गया था जी,
माननीय मंत्री सुरेश राणा जी से कहना चाहूंगा कि गन्ने में जो बीमारी आती है पोक्का बोइंग की, शायद वो का समाधान अगर जो है तो पूरे क्षेत्र के लिए वो हेलीकॉप्टर से इस तरह करा दे। हेलीकॉप्टर से आप फुल पुष्प वर्षा करा रहे हैं, कावड़ियों के ऊपर करा रहे हैं, आप सेना के नाम पर करा रहे हैं, डॉक्टर्स के नाम पर करा रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी इस किसान के नाम पर भी करा दीजिए। किसान का ब्याज बहुत है, किसान का ब्याज का जो आपको भूस मिल रहा है मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा, थाना बोन शुगर मिल का जितना हम किसानों का भुगतान है, एक दिन के भुगतान का ब्याज जितना इंटरेस्ट बैठता है पर डे, वो उतना भुगतान भी किसानों का बकाया करने का नहीं कर रहा है। तो कितना कितना किसानों का सरकार के ऊपर ड्यू है, कहीं किसान बिजली के लिए मारामारी फिर रहा है, किसान का बिजली का रेट बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ा दिया, यूरिया का रेट बढ़ा दिया, यूरिया का वजन घटा दिया, डाई का रेट बढ़ा दिया, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। किसान की आवारा पशु जो गौवंश है, बेआसरा गौवंश किस तरीके से मर रहे हैं, कितने कितने गौ आश्रय स्थल खुले, कितने उसमें गाय की मौत हो रही है प्रत्येक दिन, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी भूखी गाय मर रही है। गाय हमारी माता है लेकिन हमको उनका करना नहीं आता है। ये भाजपा मूल मत जी चैनल के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगा, मैं क्षेत्र के माननीय मंत्री सुरेश राणा जी से आग्रह करूंगा कि आपके पास प्राइवेट शुगर मिल जितना भी आपके पास इंटरेस्ट बचाकर जितना आपके कोष में जमा करने का कार्य कर रही है माननीय मंत्री जी, थोड़ा थोड़ा पैसा इन गांव आश्रय को दे दिया जाए तो शायद गाय माता बचेगी तो भारत का सम्मान बचेगा। जिस तरह का आपने गौ माता का सम्मान रखा वो आम जनता देख रही है, शायद उसी तरह का सम्मान आप भारत माता का कर रहे होंगे। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी शायद भारत माता का सम्मान भी वर्ल्ड के अंदर इसी प्रकार का हो रहा होगा। आपके जब से सरकार आई है, मेरा एक निवेदन और है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके चैनल जितने भी हैं, अगर जो वो दिखाते हैं कि एक दो सांप्रदायिक हिंसा और उस पर इस तरह से वो करते हैं अपने जीडीपी बढ़ाने के लिए 50-70 हजार के आदमी को खरीद कर वहां पे बैठा देते हैं, उनसे डिबेट करते हैं आप लोग, और वो चैनल आज बात चल रही है कोरोना की, लेकिन आज जमात की अगर जो टीवी खोलकर देखी जाए तो वो जमातियों की बात चलती है। देखो कोरोना वायरस जो है वो किसी जाति संप्रदाय को नहीं देखता। हाँ मैं ये कहूंगा कि जहां जमाती कोई जिसने अपनी इस बीमारी को छिपाने का कार्य किया, जिस जमाती ने छिपने का कार्य किया, जिस भी व्यक्ति ने इस मेरा सवाल था आपसे कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो ब्लॉक प्रमुख बीडीसी चुनते हैं अभी तक और जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, तो अभी एक सरकार ने घोषणा की है कि उनको डायरेक्ट चुनाव करने की और घोषणा की है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं जी, एक सराहनीय कदम होगा सरकार का जी, क्योंकि इस कार्य से जो खरीद फरोख है, जो समाज के अंदर एक कुरूति है, उस कुरूति का अंत होगा। जनता डायरेक्ट अपने जनप्रतिनिधि को चुने, ये अच्छा विषय है जी, सरकार का सराहनीय कदम है जी। मेरा अगला सवाल है आपसे प्रमुख साहब, आप संक्षेप में ही जवाब दीजिएगा कि भविष्य की राजनीति को लेकर के आपका क्या कदम है, क्योंकि मैंने देखा था कि आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपने जो टिकट हुआ था आपको सपा से, फिर आपसी विवाद कुछ हुआ था समाजवादी पार्टी में, शिवपाल जी ने आपका टिकट काट दिया था, फिर आप राष्ट्रीय लोकदल में चले गए थे, फिर पुनः फिर समाजवादी पार्टी में है अभी, तो भविष्य की राजनीति को लेकर के आपका क्या कहना है? जी मेरा समाजवादी से चुनाव लड़ने का विचार है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये उम्मीद भी रखता हूँ और आश्वासन भी है जी, और ये उम्मीद रखता हूँ कि शायद 2022 का जो चुनाव हो तो वो समाजवादी के सिंबल पर थानाबोन विधानसभा से लड़ूंगा।
जी, उसी तरह का मेरा अपना जी अपना प्रयास है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि 2017 के चुनाव में आपको जब समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, टिकट आपका काट दिया था आपसी विवाद को लेकर के, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आदरणीय प्रमुख साहब? जी प्रमुख साहब, 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आपसी विवाद को लेकर के, जो शिवपाल जी में और आदरणीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी में विवाद हो रहा था, तो उसको लेकर के आपका टिकट कहीं ना कहीं काट दिया था। तो आपके पास निर्दलीय लड़ने का भी एक ऑप्शन था, लेकिन आप फिर निर्दलीय क्यों नहीं आप चुनाव में आए? नहीं, उस समय पे जो साथी थे अपने, बहुत तो का सहयोग इस तरह का जो रहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। सरकार की चुनाव जो समय पे जितने भी राजनीतिक दल थे, जहाँ जहाँ वो उनका संकीर्ण हो रहा था, वो अपने समीकरण दूसरे तलाश रहे थे, उन समीकरणों को धज्जियां उड़े किसी तरीके से, वो समीकरण कहीं धरातल पर ना रहे, शायद वो पूरे ग्रुप, हम दरअसल में राजनीति करते हैं, ग्रुप की राजनीति करते हैं, थानाभवन के अंदर, थानाभवन विधानसभा के अंदर अगर जो ग्रुप है तो वो शेर सिंह राणा ग्रुप, बाबरी ग्रुप, हमारा सबका सब साथियों का एक ग्रुप है, और शायद हम इसमें सक्षम भी है, अगर जो निर्दलीय विधायक विधानसभा में जाए तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिले, लेकिन आकाओं का किसी बड़े का राजनीतिक सपोर्ट जरूरी है, इस वजह से सिंबल की आवश्यकता है, और सिंबल क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, चुनाव से पहले भी 2017 से पहले भी समाजवादी में था, कुछ पीरियड इस तरह का रहा जिस समय पारिवारिक विद्रोह रहा उनका, और मुझे शेर सिंह राणा फुलन देवी हत्यारा मानकर मेरा टिकट काट दिया गया, मेरे जो पार्टी के मेरे प्रतिद्वंदी थे, हर संगठन में होता है, उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी को किया कि वो जय शेर सिंह राणा, जय शेर सिंह राणा है, फुलन देवी का करा था, और इसने कश्यप को मारा है, हत्या की है सांसद की, जो आप पार्टी से सांसद भी थी, तो उसका टिकट होना गलत है, तो शायद इन सारे भ्रमों के दौरान मेरा टिकट काट दिया गया, और मैं मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने उस समय नौता दिया कि आप आए, आप चुनाव लड़े लोकदल से, मैं उस दौरान उनके पास गया भी हूँ, समाजवादी पार्टी ने मुझे बुलाया था उस समय से कि आप वापसी करके चुनाव लड़े, हमने सर्वे कराया है कि आप चुनाव मजबूत लड़ सकते हैं, आप चुनाव लड़े थानाभवन से, लेकिन क्योंकि जो स्थिति आपकी है अभी, 3 बार से ब्लॉक प्रमुख लगातार और जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जी, मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि भविष्य की राजनीति को लेकर के, तो मैं कह रहा था कि काल के गर्भ में क्या छिपा है, खैर ये कोई नहीं जानता, लेकिन मान के चलिए अगर 2022 में आपको टिकट नहीं देती है समाजवादी पार्टी, खैर ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जी? नेपाल भाई, मैंने बताया आपको, मैं आशावादी आदमी हूँ, और इस बार मेरा टिकट भी होगा और चुनाव भी लड़ूंगा जी। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त है और चुनाव लड़ा जाएगा, 100% चुनाव लड़ा जाएगा 2022 विधानसभा थानाभवन जी। तो आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए आदरणीय प्रमुख साहब, और आप ऐसे ही जनता की आवाज बनते रहें, किसानों के मुद्दे ऐसे ही उठाते रहें बेबाकी से, और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अब विदा लेता हूं। ग्रामीण भारत संवाद से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना मूल्यवान समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब, नमस्कार।